नमस्कार मित्रों, मैं रामचंद्र देवांगन, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं अभी ये मेरा खीरा का प्लाट में पहुंचा हूं। यहां खीरा लगा हुआ है, करीब 2 एकड़ में खीरा लगा हुआ है। और ये खीरा का किस्म है VNR सीड्स का क्रिस वेराइटी। ये 10 अप्रैल को बिजाई किया था और आज है 7 मई, मतलब ये 28 दिन का हुआ है। आज 28वां दिन है बिजाई का। इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ये अच्छे ग्रोथ हुआ है। वहाँ ये दूसरा तार में पहुँचा है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से ये ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन फूल इसमें आ गया है और छोटा छोटा कोई कोई जगह फल भी आ गया है। ये रहा फल, ये बड़ा साइज का फल इतना ये आ गया है। ये करीब 4 से 5 दिन में हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाएगा। वैसे ये VNR का क्रिस वेराइटी को 32 या 33 दिन में पहला हार्वेस्टिंग हो जाता है। और इसमें मादा फूल का संख्या ज़्यादा होता है, नर फूल नहीं के बराबर होता है। मुश्किल से 1-2% ही रहता होगा नर फूल। ये जगह ये एक नर फूल दिखाई दे रहा है। ये नर फूल जब खिलेगा तो ये नर फूल होगा और ये मादा फूल है। और इसमें लाइन से हर पत्ते पे लगभग ये फल लगता है। ये यहाँ पर देखिए, लाइन से फल लगा हुआ है। ये रहा नर फूल, ऐसा 1-2% ही नर फूल रहता है। नर फूल में ये पहले से फल नहीं बना हुआ होता है, जबकि मादा फूल में पहले फल या इस टाइप का फल बना हुआ होता है। ये VNR का क्रिस वेराइटी बहुत ही अच्छा वेराइटी कहा जाए। और इसका ये दूसरे किस्म के खीरा के अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन क्षमता है। इसमें हर पत्ते पे फल लगता है। और मैं पिछले बरसात दिन में लगाया था, तो यहाँ तो ये हर पत्ते पे फल सेटिंग हुआ था। अगर लेकिन अभी गर्मी में देखना पड़ेगा कि गर्मी में कितना फल सेटिंग होता है। वैसे उम्मीद है कि गर्मी में भी हर पत्ते पे फल सेटिंग होगा। इस साइज का फल अभी बहुत ही कम है, कोई कोई जगह है। और इसमें ये फूल देखो, ये लाइन से लगा है, ये तना हो गया यहाँ से, तो ये शाखा में भी फल और ये मेन लता है। इसमें ये फल, ये दूसरे नंबर के पत्ते पे फल, तीसरे नंबर के पत्ते पे, चौथे, पांचवे, छठवे, मतलब ये एक पेड़ में अभी तक ये करीब 10 से 12 फूल लगे हैं। लेकिन कितना सेटिंग होता है वो देखना पड़ेगा। ये धान का खेत है, इसलिए इसमें ड्रिप लाइन ऊपर ही रखा हूँ ताकि इसको निकाल कर रख सकूं। और ये जुलाई में इसमें धान का रोपाई होना है। जुलाई तक तो ये खीरा ख़त्म हो जाए रहेगा और इसमें धान का रोपाई होगा। यहाँ गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि इधर बस्ती से घिरा हुआ है, इधर ये गांव है और पेड़ पौधे हैं चारों तरफ ये इस तरह से ये। और इधर ये पूर्व दिशा है, इधर ये आगे नदी है, शिवनाथ नदी, जिसमें पानी भरा होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है दूसरे जगह से। तो इसीलिए मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ अप्रैल में खीरा लगाने के लिए। मेरे मेहनत के हिसाब से इसमें तो अभी तक फूल बहुत अच्छा कहा जाए।
ये हर पत्ते पे लगभग हर पत्ते पे फूल लगा है, तो मेरे मेहनत के हिसाब से तो ये ठीक ही लगा है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन मिलता है। और फसल भी तो मेरे मेहनत के हिसाब से बहुत ही अच्छा कहा जाए। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये फसल कैसा है और इससे और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें मल्चिंग नहीं किया हूँ ये, क्योंकि मल्चिंग करने से और ज़्यादा गर्मी को बढ़ाता है गर्म होकर मल्चिंग, तो इसीलिए बिना मल्चिंग का लगाए हैं। और बिना मल्चिंग के लगाने के कारण खरपतवार बहुत ज़्यादा उगता है। ये दो बार निंदाई कर दिया हूँ, उसके बाद भी और ये खरपतवार उग गया है, इसको फिर से निंदाई करवाना पड़ेगा। तो मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा खीरा का फसल को इससे और बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।